नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। दिव्यांगजन कल्याण संघ भानेगांव द्वारा किया गया आयोजन, तन्मय के जन्म दिवस पर संपन्न हुआ भव्य स्वास्थ्य शिविर। दिव्यांगजन कल्याण संघ द्वारा 27 अगस्त को संघ के अध्यक्ष तन्मय जगदीश मिश्रा के 25वें जन्म दिवस पर भव्य स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व जनपद अध्यक्ष लांजी देवेंद्र खुंगल, विशिष्ट अतिथि हीराचंद आसटकर, बारेलाल बड़घैया, भरत कालबेले, लक्ष्मण दुर्गादास छुट्टू टाने, जनपद अध्यक्ष लांजी श्रीमती अर्चना देवेंद्र खुंगल, श्रीमती वर्षा देवेंद्र बड़ई, सभापति महिला एवं बाल विकास जनपद पंचायत किरनापुर रेवाजी करहटकर, सभापति जनपद पंचायत लांजी, आमंत्रित चिकित्सक डॉक्टर अनिरुद्ध प्रमेश गायधने, हार्ट स्पेशलिस्ट गोंदिया, डॉक्टर ओम बघेले हड्डी रोग विशेषज्ञ गोंदिया, डॉक्टर निशांत करबड़े MBBS जनरल फिजिशियन गोंदिया, डॉक्टर किशोर सोनवाने लांजी, डॉक्टर आशुतोष कचलारिया एम्स हॉस्पिटल रायपुर, डॉक्टर संतोष रतोने लांजी मीरिया, डॉक्टर मिथिलेश रामटेके चिकित्सा अधिकारी किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर अपनी सेवाएं दी। इस शुभ अवसर पर दिव्य रत्न पुरस्कार 2023 का अनावरण संघ की संरक्षक श्रीमती प्रमिला देवी चरणजी ठाकरे द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान हीराचंद आसटकर और बारेलाल बड़घैया को संघ के दिव्यांग जन कल्याण संघ के अध्यक्ष तन्मय मिश्रा द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया। विदित हो कि दिव्यांग जन कल्याण संघ प्रतिवर्ष दिव्य रत्न पुरस्कार संघ के उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान करती है। दिव्य रत्न 2023 का पुरस्कार दिव्यांग जन कल्याण संघ के पूर्व संयुक्त सचिव प्रीतम लाल कश्यप को मरणोपरांत प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को उनके सुपुत्र अश्विनी कश्यप ने ग्रहण किया। अपने जन्मदिन के अवसर पर तन्मय मिश्रा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य अतिथि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। श्रीमती अर्चना रविंद्र खुंगल जनपद पंचायत अध्यक्ष लांजी, आपसे अनुरोध है, साथ ही विशेष अतिथि में श्री रेवाजी करहटकर सभापति और महिला। न्यूज एक्सप्रेस में, तब तक के लिए नमस्कार।